अगर इजाजत दे तो लोहा गर्म है, हथौड़ा लगा ही दिया गया। एक दो शेर मुझे याद आ रहे हैं, कहे तो सुना दे, नहीं तो छोड़ देते हैं। सुनना नहीं लेकिन बोल के सुनेंगे तब। मेरे साथ एक मिसरे की रट लगानी होगी, आपको कहना है नहीं चलेगी। मेरे साथ कहना है, क्या कहना है? नहीं चलेगी। हाँ, बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह सब सलीके से बैठ जाएंगे। सब स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूँ। शेर देखे कलीम भाई, बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी। पूरा मजमा इधर के लोग भी बोले, कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं माइक लेके कूद भी गया हूँ, और कूद गया हूँ तो एक आध आदमी को अपने जैसा डेट टांग का बना भी दूंगा। जिंदगी भर ट्रेन में फ्री में सफर करेंगे, ठीक है। गिरदा पेंसिल उम्र से पहले मिलना शुरू हो जाएगा आपका। लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा बोले अच्छा लगे। बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी। गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी। इधर के लोग सुन रहे हैं, अगर पीछे का सुन ले कसम खुदा की कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख देंगे। थोड़ा सुने सुने, बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी। गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी। शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब अपने लहजों में शेर कहने पड़ेंगे सबको। अब अपने लहजों में शेर कहने पड़ेंगे सबको। अरे पराए लहजों की तर्जमानी नहीं चलेगी। अब अपने लहजों में शेर कहने पड़ेंगे सबको, पराए लहजों की तर्जमानी नहीं चलेगी। एक शेर ऐसा ताजा बैठे हैं, और कलीम भाई अपने मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। ये शेर सच्चा हो तो मिलकर बता दीजिएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुमने सच कहा है। शेर देखिएगा मेरे दोस्तों, गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी। तुम्हें मोहम्मद से है मोहब्बत, ये सच है लेकिन। तुम्हें मोहम्मद से है मोहब्बत, ये सच है लेकिन। शराब पी करके नात खानी नहीं चलेगी। तुम्हें मोहम्मद से है मोहब्बत, तुम्हें मोहब्बत से है मोहब्बत, ये सच है लेकिन। शराब पी करके नात खानी नहीं चलेगी। यहाँ की छोड़ो उबैद अहमद, वहां की सोचो। यहाँ की छोड़ो ऐ दुनिया वालों, वहां की सोचो। बरोज महशर कोई कहानी नहीं चलेगी। बहुत बरोज महशर कोई कहानी नहीं चलेगी। तुम्हें मोहम्मद से है मोहब्बत, ये सच है लेकिन। शराब पी करके नात खानी बाप रे नहीं चलेगी। अल्लाह बचाए। जलसे की कामयाबी इसमें होती है मेरे दोस्तों के हम सब साथ सर जोड़ के बैठे। जलसे में दिल जोड़ने की बात की जाए, तोड़ने की बात आज अपने मुल्क के अंदर जितना हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, कसम खुदा की कह रहा हूं, उससे ज्यादा बरेली और देवबंदी हो रहा है। अगर मैं झूठ बोलूं, मुजाहिद हबीबी का कॉलर पकड़ लीजिएगा। और मैं भी जब अपने अकीदे पे शेर पढ़ने पे आ जाऊं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं सिर्फ टांग से माजूर हूं। आप कपड़े फाड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, नारे लगाने लगेंगे। लेकिन खुदा की कसम, मेरे उलमा ने यह सिखाया ही नहीं। हर स्टेज पे जाता हूं मियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत शराब से की, शराबियों से नहीं। गुनाह से नफरत की, गुनहगारों से नहीं। बदकारी से नफरत की, बदकार से नफरत की, बदकारियों से नहीं। तो मेरे दोस्तों ये पैगाम होना चाहिए। एक शेर पढ़ता हूं और तमाम लोगों को जोड़ता हूं। अगर मुजाहिद हबीबी पढ़ दे, पूरे मजमे की ताई चाहता हूं। एक एक शख्स की हाथ उठकर ताई मिलनी चाहिए कि हबीबी तुमने सच कह दिया। शेर देखिएगा मेरे दोस्तों, और हमारे हाजी राजू साहब जो मशहूर है राजू के हवाले से, और जो सर जेर सरपरस्ती अलहाज जमील अख्तर अशरफी साहब और दिगर तमाम लोगों को इस मिसरे में मैं शामिल करना चाहता हूँ। शेर देखें के मैदाने करबला में शहादत के जाम का, वाह हाय, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। वाह वाह वाह। चौथे मिसरे पे आपकी दाद चाहता हूँ और आपकी ताईद। स्टेज बेदार हो जाए थोड़ी देर के लिए। सलाम माशाल्लाह, स्टेज से ही आ गया है। अच्छा, आप लोग भी आना जाना कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि शायर को दिया जाए, अनाउंसर को भी कुछ लोग इनाम देते हैं। जी जी, ये देखिए, हाँ हाँ आएंगे माशाल्लाह। अगर लोग आएंगे तो मैं मना भी नहीं करूंगा माशाल्लाह। वाह भैया, सलाम अलैकुम। वाह
अच्छा कुछ लोग बड़े तेज तर्राक होते हैं भाई। एक शख्स चाय खाने में बैठा, कहा भैया चला दिए। कहा क्या चला दिया? चला दिए, हो गया काम, पियो चाय तुम लोग। का 500 का नोट था, चल ही नहीं रहा था, बार बार दुकान से वापस हो रहा है। मुजाहिद हबीब भी खड़ा हुआ, दे दिए 500 टका उसको थमाए और 490 रुपया वापस लेके चले जाने। चला दिया राजा, चला दिया मिया। बीवी को भी जाके कह रहा है कि चला दिया, तो वो काम मत कीजिएगा। जावेद भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। शेर देखे, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। बहुत हो बहुत। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी समाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये पिंडालो मजमा मुझे भा गया है, अकीदत का दिल पे नशा छा गया है। मोहब्बत से सबने जो आवाज दी तो मुजाहिद हबीबी यहाँ आ गया। क्या बात है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा के बता दीजिए पूरा मजमा एक मरतबा है क्या? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखे मेरे दोस्तों, हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप दाद नहीं दीजिएगा तो मैं खुद शेर पढ़ूंगा, खुद कहूंगा आए आए सुभान अल्लाह, बाद में कहूंगा वाह रे मैं क्या करूं। जब आप नहीं बोलेंगे तो ये काम मुझे करना पड़ेगा। थोड़ा बोले, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बोलेंगे आप। हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी, फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी। वाह वाह क्या कहने हैं, बस ऐसी सुन लो मेरी जान। इधर के लोग भी सुन ले माशाल्लाह। अब जो हजरत खड़े हैं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, हो सके तो आप बैठ जाइए। मुझे मालूम है कि अल्लाह ने आपको खड़े होने के लिए दो पैर दिया है, लेकिन बैठने के लिए भी कुछ दिया है, उधर भी तवज्जो दे देते तो काम हो जाए। हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी, बेशक फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी। अरे वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी, मगर आए हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। क्या कहने, वो तो रह सकते थे, वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी, मगर आए हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। बहुत अच्छा सुन रहे, एक शेर और दाग दूं? जी जी इरशाद हो, सुन ले सुन ले सुन ले। इसके बाद असद आजमी साहब बेताब है सुनाने के लिए, इंशाल्लाह अच्छा कलाम सुनाएंगे, इसीलिए मैं हाई पावर का इंजेक्शन दे रहा हूँ। उनके बाद जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी मजाहिरी कासमी, एक ऐसे खतीब का नाम है कि मेरे दोस्तों तकरीर के दरमियान आपको शेख चिल्ली की कहानी नहीं सुनाएंगे, कपिल शर्मा का शो का कोई थोड़ा सा रील नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ और कुरान हदीस के हवाले से आपके दरमियान बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मत का एक अहम पैगाम कैसे पहुंचना चाहिए मेरे दोस्तों, वो बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस खतीब को हमें जमकर सुनना है, और आने वाला खतीब हर एक एक के बाद जो है वो दमदार है माशाल्लाह। आप हजरात तैयार रहिए तो इंशाल्लाह वो काम होगा। शेर देखे मेरे दोस्तों, के तुम्हारे लहजे में क्या कहने, उर्दू का इंतखाब नहीं। हाय हाय, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब। जी जी बेशक, इधर के लोग बोली नहीं रहे भाई, बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह, है दम निकल जाएगा तब बोलिएगा। कुछ लोग इस इंतजार में कि मुजाहिद हसनैन हबीबी मोबाइल नंबर दे दीजिए आप अपना, एक महीने के बाद फोन पर कह देंगे सुभान अल्लाह। इतना लंबा समझ में आपको आता है भाई? हाँ ये देखिए, हक जैसे तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पे, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत हो बहुत हो। तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए। हमारे एक दोस्त हुआ करते हैं शायद, तो उसकी चोरी पकड़ी गई उसके वाइफ के सामने,
बार बार कह रहे थे कि नहीं मोहतरमा मैं ऐसा नहीं हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम उसे प्यार करता हूँ और मोहब्बत करता हूँ, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, उनकी वाइफ मान नहीं रही थी, कहे नहीं आपकी आदत जो बिगड़ी है वो जाएगी नहीं, मुझे शक है। वो बंदा खड़ा हुआ और तेजी के साथ जाता है, कुरान उठा के ले आता है डब्बा पूरा और कहता है देखो इस पर हाथ रख के कह रहा हूं कि तुम्हारे बाद किसी की तरफ मैं नहीं देखूंगा, न मैं तुम्हारे अलावा दूसरी शादी करने वाला हूं। माशाल्लाह वाइफ भी पढ़ी लिखी थी भाई, बड़ी तेज तर्रा। वो गई तो कहा कि नहीं मुझे अभी भी शक है। कहा तुम्हें कुरान पे शक है? कहा कि लाई गई तो कुरान का डब्बा जब पलट के देखा तो उसमें बेहेश्ती जेवर था रखा हुआ। कमाल है, कमाल है। ये होता है, ये हमारे किसी बिरादरी का मामला है, वो मौलवी बिरादरी, मौलवी जवाज की सूरत निकालता है, इतना कच्चा गोटी खेलता नहीं है कि नहीं। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतकाल नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए। कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं, स्कूल की किताब नहीं, और हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से आफ्ताब नहीं। सुभान अल्लाह, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से आफ्ताब नहीं। और एक शेर पढ़ दें, इजाजत है? हम तमाम लोग देहातों से जुड़े हुए हैं, देहाती शायरी सुना? जी जी, शहर वाले देहातियों को बिल्कुल अल्हड़ समझते हैं, वो समझते इसको कुछ आता ही नहीं। एक शेर पढ़ता हूं, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है। आए हाय, बोले 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 जो हजरात देहातों से जुड़े हुए हैं, जमीनों से। हाँ, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। जैसे तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। अरे जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। क्या कहने, बहुत जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। और एक शेर सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों, कि यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था। जी जी, बेशक बेशक, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, अरे इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। माशाल्लाह, बहुत, यही टूटी हुई खटिया, शुक्रिया भाई, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। जो हजरात को अपनी माँ से मोहब्बत हो, वो हजरात इस शेर पे बोलेंगे जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जी जी, इरशाद। जिनको अपनी सास से मोहब्बत हो वो हजरात थोड़ा खामोश रहे, मैं देखना चाहता हूँ पलरा किधर का भारी है। शेर देखे मेरे जो, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है, पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ। क्या कहने हैं, पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। तुम्हारे शहर में रहते हुए यार अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना। एक शेर और दाग दें, एकदम डिजिटल डिजिटल हाईटेक। मैं पिछले दिनों अभी एक मुशायरे में गया था अमेरिका, 36 करोड़ का मजमा था, कितना, हालांकि एकदम सफेद झूठ है ये, लेकिन ये झूठ बोलने का भी तरीका हमने प्रधानमंत्री से सीखा, कमाल की बात है। शेर सुने, मैं सुनाना चाहता हूँ चार मिसरे, एकदम डिजिटल दौर बनाया उन्होंने, हम नाथ के शेर निकालते हैं कुछ अच्छे शेर। शेर देखे मेरे दोस्तों, कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, क्या कहते हैं, SBI, HDFC, ICICI, एक्सेस, इसको नहीं, किसका, इबादतों का, रमजान में इबादतों का अकाउंट भर के रखना है,
बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। बेशक बेशक। आप चौथा मिसरा सुनेंगे, अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना। क्यों? सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलेगा। अल्लाह ताला को कहिएगा, फूल पे बताइएगा 30,000 दे रहे हैं, ढकेल दीजिए जन्नत में, काम चलेगा नहीं। हाँ, फोन पे और पेटीएम काम नहीं करेगा, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी अंदाज में आप सुन रहे हैं।